राहुल भारती जी, बहुजन समाज के लोगों को बताया जाता है कि वो संविधान में रहकर कार्य करते हैं, तो फिर ये थाने कचहरी कोर्ट तक की बात कहाँ से आ गई? देखिए ऐसा है, कल पूरा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, शांतिप्रिय तरीके से रामलीला ग्राउंड में सारी चीज़ें हो रही थी, परंतु कुछ लोगों ने ये जो एक अपना राजनीतिक व्यू बनाने के चक्कर में इस सारे आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया है और इस तरीके की हरकत करने का काम किया है। ये जो है बड़ा निंदनीय है। अभी हम लोग बड़ा दुखी हैं, आहत हैं, क्योंकि हमारे 96 लोग जेल के अंदर चले गए हैं, जिन पर बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं। 308 उसके अंदर लगी हुई है, 120 भी उसके अंदर लगी हुई है। आज ये अपने आप में बहुजन समाज के लिए एक बहुत दुखद घटना है, दुखद दिन है। अभी रही बात संविधान की, हम संविधान के दायरे में रह के ही काम करते हैं, संविधान के दायरे में ही रह के काम करने वाले हैं। अभी हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इस पूरे मामले में क्यों इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और कौन लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से हमारे समाज के नौजवान लड़कों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। बताया जा रहा है जब अंदर पैरवी हो रही है, वकीलों ने बताया, तो बहुत सारे बच्चों के साथ पार्शियलिटी भी की जा रही है। देखिए ऐसा है, हम सारे बच्चों से मिल के आए हैं, जो लोग अंदर हैं उनसे सबसे बात करके आए हैं। अभी हमारे उन बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कल ही रात ऐसा एक संघर्ष हुआ था जिसके अंदर हमारे बच्चों के साथ बहुत सारी चोटें आई हैं, लेकिन कुछ जातिगत विचार रखने वाले, जातिगत गंदी मानसिकता वाले लोग निश्चय उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिस पैलेस हैं, ये 96 बच्चों के अलावा भी लगभग ऐसे 7 से 8 बच्चे हैं जिनका ना तो अब तक अपने घर गए हैं, ना दिल्ली में उनका कोई पता है। हम कोशिश कर रहे हैं उनका भी हमें जल्द से जल्द पता चले। कहाँ कहाँ के अधिकतर बच्चे हैं उनके बारे में बताएं। देखिए अधिकतर जो बच्चे हैं वो पंजाब के और हरियाणा के हैं जी, उसके बाद यूपी के बच्चे हैं जी, और ये जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो हरियाणा और पंजाब के हैं जी। भारती जी, बताया जा रहा है कुछ बच्चे मिस भी हैं, अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अभी हमारी ACP से बात हुई है यहाँ के, वो उन्हें ढूंढवाने का काम कर रहे हैं। हमने अस्पताल में जाके, इलाकों में जाके उनके बारे में पता करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें उनके बारे में नहीं पता है। कुछ 5 बच्चों की सूची हमारे पास है, वो हमने यहाँ के ACP को दे दी है। जो हमारे बचे हुए बच्चे उनकी सूची हमारे पास आने वाली है। कब तक लग रहा है कि ये बच्चे बाहर आ पाएंगे जेल से? देखिए इन्होंने जिन गंभीर धाराओं में इन मुकदमों को किया है, अभी हमारी जो एडवोकेट की टीम है उनसे बात हुई है, लगता तो ऐसा है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा है, इन्हें आने में अभी 15 से 20 दिन बाहर आने में लगेंगे जी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।